मनावर में भी कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके चेन तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर जनता कर्फ्यू को 19 अप्रैल सुबह 6 बजे से बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दिया गया। जनता कर्फ्यू इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लागू रहेगा। वहीं सर्वदलीय बैठक में बताया गया है कि सभी लोग त्यौहार व इबादत अपने घर में करें, मस्जिद मंदिरों में ज़्यादा भीड़ ना लगाएं। भगवान कण कण में हैं, अगर इबादत अपने घरों में की जाए तो सब सुरक्षित रहेंगे और अपना घर पवित्र रहेगा और वो मंदिर मस्जिद से कम नहीं होगा, जिससे हमारे घर वाले सुरक्षित रहेंगे और हम सबको सुरक्षित रख पाएंगे। सर, आज जो शांति समिति की बैठक ली गई है, इसका क्या उद्देश्य है? अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो त्यौहार चल रहे हैं और आगामी कुछ समय तक और चलेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधि और धर्मगुरुओं के साथ में शांति समिति की बैठक की गई है। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना करें और जो शासन की तरफ से जो निर्देश आए हैं उनको भी इनसे अवगत कराया गया है।